तो फ्रेंड्स, आज हम लोग फाइंड आउट करेंगे कि कौन सा प्रोसेसर है बेटर। इसके पहले आपने देखा स्नैपड्रैगन 680 वर्सेस हीलियो G35। अगर नहीं देखा है तो आई बटन में मिल जाएगा, या तो आप इसकी प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। लेकिन आज कंपैरिजन होगा हीलियो G37 का। वीडियो स्टार्ट करता हूँ सीपीयू एंड गेमिंग परफॉर्मेंस के रिव्यू के साथ। तो सीपीयू परफॉर्मेंस यहाँ पे स्नैपड्रैगन का स्कोर 29 आता है, मैं हीलियो का स्कोर 18 आता है। मतलब ये भी आपको जो परफॉर्मेंस हीलियो दे रही है उसमें आपको G35 वाले हाई कुछ स्कोर देखने को मिल जाते हैं। मतलब परफॉर्मेंस आपको G35 के आसपास पे देखने को मिलेगा। एंड इसके आर्किटेक्चर एंड बाकी चीज़ों की बात मैं आगे करने वाला हूँ। गेमिंग की बात किया तो स्नैपड्रैगन 680 का स्कोर 17 आता है, हीलियो G37 का स्कोर 7 देखने को मिलेगा। दोनों ही प्रोसेसर गेमिंग के लिए नहीं बने हैं, फिर से बता रहा हूँ। हर वीडियो में यही बोलूंगा क्योंकि अभी जो सीरीज चल रही है स्नैपड्रैगन 680 वर्सेस लो एंड क्लास वाली प्रोसेसर में। एंड लास्ट में एक अच्छा सा कंपैरिजन होगा स्नैपड्रैगन 680 वर्सेस हीलो का ही कोई प्रोसेसर है लेकिन काफ़ी अच्छा है, गेमिंग के लिए भी काफ़ी अच्छा है। तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि वो वीडियो काफ़ी अच्छा होने वाला है। आगे मैं इसके ग्राफिक सपोर्ट एंड जीपीयू की बात करूंगा। नेक्स्ट अब बात करते हैं इसके बैटरी लाइफ में। तो आप स्नैपड्रैगन 680 का स्कोर 85 आता है, हीलियो का स्कोर 63 देखने को मिलेगा। फैब्रिकेशन पे पूरा डिपेंड करेगा। यहाँ पे स्नैपड्रैगन जो है 6 nm बेस्ड टेक्नोलॉजी प्रोसेसर है, हीलियो 12 nm बेस्ड टेक्नोलॉजी प्रोसेसर है। एंड बात करें इसके अंतुदू की, तो स्नैपड्रैगन का स्कोर 2,67,428 आता है, हीलियो का स्कोर 1,14,461 देखने को मिल जाता है। अब बात करते हैं गीक बेंच स्कोर में सिंगल कोर की। तो यहाँ पे स्नैपड्रैगन का स्कोर 371 आएगा एंड हीलियो का स्कोर 178। मल्टी कोर पे स्नैपड्रैगन का स्कोर 1,544 आता है, हीलियो का स्कोर 938। 3D मार्क की बात की जाए तो यहाँ पे स्नैपड्रैगन का स्कोर 442 आता है, हीलियो का स्कोर नहीं है लेकिन आप मान के लिए इसका भी स्कोर 100-200 आ सकता है। हाय फ्रेंड्स, मैं हूँ गौरव, आप देख रहे हैं टिक रूम। बात करें बेसिक इन्फॉर्मेशन की, तो स्नैपड्रैगन अनाउंस हुआ था अक्टूबर 2021 में, हीलियो जनवरी 2020 में। क्लास की बात करें तो यहाँ पे मिड रेंज में देखने को मिलेंगे दोनों ही प्रोसेसर, लेकिन हीलियो यहाँ पे काफ़ी लो एंड क्लास का प्रोसेसर है लेकिन क्लास मिड रेंज है। एंड मॉडल नंबर की बात की जाए तो स्नैपड्रैगन का मॉडल नंबर है SM6225 एंड हीलियो का मॉडल नंबर है MT6765V/CB। आप मुझे इंस्टाग्राम एंड टेलीग्राम पर फॉलो जरूर कीजिएगा, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी है। बात की जाए आर्किटेक्चर की, तो दोनों ही प्रोसेसर ऑक्टोकोर प्रोसेसर देखने को मिल जाते हैं। स्नैपड्रैगन 680 में 4 कोर 2.4 GHz क्रायो 265 गोल्ड कॉर्टेक्स A73, 4 कोर 1.9 GHz क्रायो 265 सिल्वर कॉर्टेक्स A53 एंड हीलियो में आपको देखने को मिलेगा 4 कोर 2.3 GHz कॉर्टेक्स A53 एंड 4 कोर 1.8 GHz कॉर्टेक्स A53। मैक्सिमम क्लॉक सीपीयू की बात की जाए फ्रीक्वेंसी में, यहाँ पे स्नैपड्रैगन 2400 MHz पे आता है, हीलियो जो है 2300 MHz पे आता है, जैसा कि आपने हीलो G35 वाले सीरीज में भी देखा था। एंड फैब्रिकेशन की बात किया तो यहाँ पे दोनों ही प्रोसेसर जो हैं एकदम ही अलग हैं। स्नैपड्रैगन 686 nm बेस्ड प्रोसेसर है, वहीं हीलियो जो है 12 nm बेस्ड प्रोसेसर है। अब बात कर सकते हैं ग्राफिक सपोर्ट में जीपीयू की, तो स्नैपड्रैगन के पास है एडनो 610 जिसका आर्किटेक्चर एडनो 600 है। हीलियो के पास है पावर VR Z8320 जिसका आर्किटेक्चर रुद्र। एंड इसके आर्किटेक्चर की बात किया तो यहाँ पे स्नैपड्रैगन का जो मैक्सिमम फ्रिक्वेंसी है जीपीयू की वह 1,114 MHz एंड हीलियो का है 680 MHz। फ्लोटिंग पॉइंट्स की बात की जाए तो फ्लोटिंग पॉइंट्स यहाँ पे स्नैपड्रैगन एंड हीलियो का दोनों ही नहीं है, लेकिन मैं गेस करता हूँ कि स्नैपड्रैगन का 200+ देखने को मिल जाएगा एंड हीलियो का आपको याद है अगर G35 का अगर आपको याद है तो उसका 54.4 था, तो G37 का मान चलिए मैक्सिमम 60 तक हो सकता है। बात की जाए इसकी गेमिंग ग्राफिक सपोर्ट की, तो स्नैपड्रैगन मिलेगा Realme 9 IP, हीलियो मिलेगा मोटोरोला G22 पे। बात की जाए इसकी मैक्सिमम पबजी मोबाइल में मैक्सिमम फ्रेम रेट सपोर्ट की, तो यहाँ पे 30 एंड 40 का वेरिएशन देखने को मिलेगा। हीलियो G37 थोड़ा सा पीछे रहेगा स्नैपड्रैगन से लेकिन इसमें आपको मैक्सिमम सपोर्ट फ्रेम रेट में 40 का मिल जाता है। एंड ग्राफिक सपोर्ट की बात की तो स्नैपड्रैगन इधर पीछे देखने को मिल रहा है जो कि बैलेंस के साथ मीडियम का सपोर्ट करता है, जबकि हीलियो में आपको HD हाई का सपोर्ट मिलेगा। लेकिन अब स्टेबिलिटी की बात की जाए तो स्नैपड्रैगन आपको बेटर स्टेबल करके देगा 30 बैलेंस मीडियम पे, वहीं हीलियो आपको 40 HD हाई पे उतना अच्छा परफॉर्मेंस नहीं देगा। एंड COD मोबाइल की बात किया तो 30-30 का मैक्सिमम सपोर्ट मिल जाता है। ग्राफिक सपोर्ट में स्नैपड्रैगन इसमें हाई के साथ मीडियम का सपोर्ट करता है एंड हीलियो में लोअर के साथ हाई। तो यहाँ पे बोलना चाहूँगा कि स्नैपड्रैगन हाई के साथ मीडियम पे अच्छी तरीके से गेम रन नहीं कर पाता है, कुछ देर बाद आपको लैग देखने को मिल जाएगा। वहीं हीलियो की बात किया तो लो पे हाई आराम से हैंडल कर लेगा क्योंकि मैक्सिमम सपोर्ट ही इतना ही है, और रिकमेंडेड आपको यही है कि आप स्नैपड्रैगन में भी लो के साथ हाई का ही गेम यूज़ कीजिए। मेमोरी टाइप की बात किया था यहाँ पर रैम टाइप में स्नैपड्रैगन LPDDR4X विद रैम फ्रिक्वेंसी 2133 MHz, हीलियो में भी LPDDR4X रैम मिलेगा जिसकी रैम फ्रिक्वेंसी 1600 MHz की होगी। एंड स्टोरेज टाइप की बात किया तो स्नैपड्रैगन मैक्सिमम GeForce 2.2 का सपोर्ट मिल जाता है,
हीलियम में मैक्सिमम ईएमसी 5.1। वीडियो कैप्चर वीडियो प्लेबैक में स्नैपड्रैगन 1K60 एफपीएस के साथ होगा एंड हीलियम 1K30 एफपीएस के साथ वीडियो कैप्चर हो या वीडियो प्लेबैक। एंड डिस्प्ले की बात की जाए तो यहाँ पर स्नैपड्रैगन में 2520x1080 पिक्सल्स का डिस्प्ले मिलेगा एंड हीलियो की बात की जाए तो इसमें 2400x1080 पिक्सल्स का डिस्प्ले मिल जाता है। मैक्सिमम सपोर्ट है ये, तो आपको डिस्प्ले देख के लेना पड़ेगा कि कितना सपोर्ट मिला है, ये मैक्सिमम सपोर्ट है प्रोसेसर का। एंड अब बात की जाए इसके कनेक्टिविटी की, तो दोनों प्रोसेसर 5G सपोर्ट नहीं करते हैं। 4G सपोर्ट में स्नैपड्रैगन में मिलेगा LTE Cat 13, हीलियो में मिलेगा LTE Cat 7, ब्लूटूथ में स्नैपड्रैगन में 5.1 है, हीलियो में 5.0। वाईफाई वाइज दोनों ही प्रोसेसर सेम है वाईफाई 5 के साथ। तो यहाँ पे विनर की बात करें, स्नैपड्रैगन ही अभी तक विनर है। तीन अभी तक कंपैरिजन हो गए हैं, हीलियो A22, हीलियो G35 एंड हीलियो G37 का, तो तीनों में ही स्नैपड्रैगन बेटर देखने को मिला है क्योंकि इसके पास बेटर कॉर्टेक्स है एंड यहाँ पे 6 नैनोमीटर बेस्ड टेक्नोलॉजी है। इसमें 1K60 एफपीएस का सपोर्ट मिल जाता है, ब्लूटूथ 5.1 एंड LTE Cat 13 है। लेकिन G37 में आपको एक प्लस पॉइंट देखने को मिलेगा, वही ग्राफिक्स का सपोर्ट, कि मैक्सिमम ग्राफिक्स सपोर्ट आपको हीलियो G37 में देखने को मिल जाता है, जो कि HDHI का सपोर्ट मिलेगा PUBG मोबाइल में, एक इसमें आपको प्लस पॉइंट देखने को मिलेगा। बाकी चीजें तो इसमें आपको सारी स्नैपड्रैगन से पीछे देखने को मिलती है। वैसे आपको इन दोनों प्रोसेसर में से क्या पसंद है, स्नैपड्रैगन का 680 या फिर हीलियो का G37, कमेंट जरूर कीजिएगा। अगर ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक एंड चैनल सब्सक्राइब करके चलेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।